हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत छोटे छोटे से और आसानी से करने वाले जो डेली में हम कर सकते हैं वो टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपका क्लीन हमेशा साफ़ सुथरा और बिना मेड के, बिना किसी हेल्पर के, अकेले भी आप अपने किचन को हमेशा साफ़ रख सकते हैं। तो पहला जो टिप है वो है, जब हम रोटी बनाते हैं तो कितना भी कोशिश कर लें, आटा इधर उधर गैस पे भी गिरी जाता है, तो उस आटे को तुरंत ही हम साफ़ कर लें। किसी भी रुमाल, जो किचन क्लीन करते हैं उस रुमाल से, कॉटन की रुमाल में हल्का पानी लगा के आप तुरंत ही साफ़ कर लीजिए। इससे आपका किचन भी साफ़ रहेगा और जैसे कॉकरोच वगैरह इससे हो जाते हैं आप छोड़ देते हैं, और गंदा भी लगता है किचन में, आप अगर किसी भी समय आते हैं तो अगर छोड़ दिया वैसे तुरंत ही, तुरंत टाइम भी नहीं लगता और साफ़ रहता है गैस चूल्हा भी और काउंटर टॉप भी, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको साबुन सर्फ या कुछ भी यूज करने, नॉर्मल पानी से रुमाल गीला करके तुरंत ही साफ़ करिए, 2 मिनट में हो जाएगा और किचन आपका साफ़ भी रहेगा। और टिप नंबर 2 है, जब हम जैसे चाय वगैरह हुई, शाम का ब्रेकफास्ट स्नैक्स वगैरह, छोटे छोटे जैसे लंच या फिर डिनर, तो उसके बाद ही हम अपने बर्तन को साफ़ कर लें, ये भी एक पार्ट ही समझ लें। जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं तो जितना हमें खाना बनाना ज़रूरी है, खाना खाने के बाद उतना ही ज़रूरी आप समझें कि आपको बर्तन भी धुलना है, तो ये साथ ही के साथ हो भी जाएगा और बर्तन ढेर सारे इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें देख के घबराहट होती है कि कैसे साफ़ करें इतने सारे बर्तन, फिर टाल मटोल होने लगता है कि अभी करती हूँ अभी करती हूँ। तो जैसे ही थोड़ा बर्तन होता है आप उसी के साथ ही साथ उसको भी धुल के हटा दीजिए, चाय के बर्तन हो गए या नाश्ते के हो गए, तो बर्तन भी नहीं इकट्ठा होगा सिंक में और किचन भी फिर साफ़ रहेगा और घबराहट भी नहीं होगी कि बर्तन बहुत सारे हो गए अब कैसे साफ़ करूं क्या करूं। तो आप अकेले भी हैं तब भी हो जाएगा, और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा और देख के उलझन भी होगी और गंदा भी लगेगा सिंक में भरा है बर्तन, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करते रहिए तो आसान रहेगा। और टिप नंबर 3 है कि जब हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं सुबह शाम दोपहर, जब भी साफ़ करते हैं उसी हाथों हाथ सिंक में बर्तन मारने के बाद भी जो साबुन लगा हुआ होता है स्क्रब पे, उससे भी आप उसी हाथ से बस मार दीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाहे जिस टाइम में मैं बर्तन धुलती हूँ, मेन अगर सुबह शाम में तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करती हूँ, और उसके अलावा मैं हल्के हाथ से तुरंत ही उसी हाथ से नल पे और सिंक पे मार देती हूँ, तो उससे नल वगैरह हमारा साफ चमकता रहता है। जैसे ज़्यादा जब पानी वगैरह जम जाता है और नल का, क्योंकि पानी गिरता है तो उसे धीरे धीरे करके बहुत वाइट वाइट सा हो जाता है, तो उसमें ना अलग से आपको कुछ क्लीनर वगैरह लगाना पड़ेगा, हार्ड क्लीनर वगैरह, जिससे नल की रगड़ना पड़ेगा तो नल की शाइनिंग भी चली जाती है, वो चमक नहीं रह जाती है। अगर हम डेली बेस पे साफ़ करते रहते हैं हर बर्तन धुलने के बाद उसी हाथ से, तो सिंक भी साफ़ रहता है और नल भी साफ़ सुथरे चमकते रहते हैं टाइल्स वगैरह, तो तुरंत ही आसपास के एरिए को तुरंत साफ़ कर लीजिए बर्तन धुलने के बाद ही, तो आसान रहेगा। और टिप नंबर 4 है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कम ज़रूरत लगती हैं या एक आध बार दिन भर में ज़रूरत पड़ रही हैं, तो उसको हम अपने काउंटर टॉप पे ना रख के, वैसे भी किचन मेरा छोटा है तो मैं पहले मैं भी अपने किचन में काउंटर टॉप पे ही काफ़ी चीज़ें रख लिया करती थी, जिससे जब खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है तो स्पेस नहीं रह जाता। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो चीज़ें कम यूज में आती हैं उनको किचन से आप हटा के कहीं और भी रख दीजिए, काउंटर टॉप खाली रहे, खाना बनाइए किसी भी समय, आपको स्पेस अच्छा मिलेगा और साफ़ सुथरा भी लगेगा। तो मैं सारी चीज़ें हटा के अलग ही रख देती हूँ ताकि काउंटर टॉप हमें खाली मिले। उसके बाद टिप नंबर 5 है, जैसे कि ये किचन के बोर्ड वगैरह हो गए और टाइल वगैरह हो गई, तो इनको भी आपको अलग से कोई, जैसे बहुत सारे आजकल क्लीनर वगैरह आते हैं या फिर हमें YouTube वगैरह पे कितनी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, आप इससे साफ़ करिए उससे साफ़ करिए, तो वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम डेली बेस पे किसी भी टाइम में हमें टाइम मिल जाता है, कभी कभी हम खाना बनाते रहते हैं तब भी हमें किचन में खड़ा होना है और हमारे पास टाइम है, तो उसी समय आप किचन का जो रुमाल होता है साफ़ करने वाला, आप उसमें हल्का सा साबुन, जिससे बर्तन धुलते हैं, या फिर ये DIY आसानी से बनने वाला घर का,
इससे भी आप किचन को टाइल्स वगैरह को साफ़ कर देंगे तो साफ़ सुथरा चमकती रहेंगी। बोर्ड हो गए और ये फ्रिज के ऊपर हल्का हाथ आपको मारने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का सा आप बर्तन वाला साबुन लगा दीजिए, डिशवाश, या फिर कोई भी आप हल्का सा अपना DIY भी बहुत सारे होते हैं, आसानी से अलग से कोई आपको ख़रीदने की नहीं। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं और ज़्यादा जैसे हार्ड चीज़ें हम यूज करते हैं उससे हमारे टाइल्स हो गई चाहे बोर्ड कुछ भी डेली हम कुछ लगाने से शाइनिंग चली जाती, वो शाइनिंग नहीं रहती। ऐसे हल्के कभी गीले रुमाल से ही साफ़ कर दीजिए, पर साफ़ कर दीजिए तो आपका ये साफ़ सुथरा चमकता रहेगा किचन, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टिप नंबर 6 है, जैसे हमारे कंटेनर वगैरह खाली हो जाते हैं या डिब्बे वगैरह जिसमें हम दाल चीनी मतलब सामान किचन का रखते हैं, तो आप उसको बर्तन धुलने के समय भी उसको पानी डाल के रख दीजिए, फूले रहेंगे, और जैसे ही बर्तन धुलते हैं उस समय धुल दीजिए, या फिर अलग से ही आप कांच वगैरह हैं तो आप अलग से ही साफ़ करिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से आपके सारे डिब्बे भी साफ़ रहेंगे अलग से टाइम निकाल के, क्योंकि ढेर सारे जब लेके बैठते हैं तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है और डिब्बे वगैरह अगर नहीं साफ़ करो तो गंदे भी हो जाते हैं, तो इसलिए आप खाली होते हैं तो उस टाइम पे उसको एक एक दो दो करके साफ़ करते रहिए और साफ़ भी बने रहेंगे। उसके बाद टिप नंबर 7 है, जैसे कि हमारे पास कोई डिब्बे वगैरह आ जाते हैं कभी किसी सामान के साथ में, उनको हम रख लेते हैं कि चलो ये किसी काम आएगा, पर वो काम नहीं आता, पर हमारे किचन में स्पेस वो घेर के रखता है, और उसके लिए फिर क्या कहते हैं आप उसको हटा दीजिए, जब ज़रूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो अलग कहीं हटा के रख दीजिए, इससे हमारा किचन साफ़ रहेगा। और उसके बाद टिप नंबर 8 है, जैसे ही हम खाना वगैरह बनाते हैं या फिर बर्तन धुलने के बाद में कुछ ना कुछ नीचे गिर ही जाता है फर्श पे, तो उसी समय आप पोछे से जिससे भी साफ़ करते हैं फर्श को साफ़ कर दीजिए, इससे आपके जैसे कॉकरोच कीड़े मकोड़े ये सब होने का भी डर नहीं रहेगा और किचन भी साफ़ रहेगा। दूसरे बच्चे वगैरह हैं आते हैं, पैर में चप्पल नहीं पहनी है तो वही गंदा पैर लेके बिस्तर उस्तर पे चढ़ जाते हैं तो वो भी बिस्तर भी गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम नहीं लगेगा, छोटा किचन होता है तुरंत ही साफ़ हो जाता है। तो टिप नंबर 9 है, जैसे ही हमारे किचन के क्लॉथ वगैरह हैं कपड़े वगैरह जो छोटे छोटे रुमाल जिससे हम किचन को क्लीन करते हैं, उनको आप डेली एक बार तो ज़रूर ही साबुन लगा के अच्छे से साबुन या सर्फ लगा के, नहीं है तो आप बर्तन वाला जो डिटर्जेंट और लिक्विड यूज करते हैं उसको भी डाल के डेली अगर साफ़ करके एक बार डाल देते हैं रात में, जैसे मैं रात में ही जब बर्तन वगैरह करती हूँ उसके बाद ही उसमें साबुन लगा के धुल के डाल देती हूँ, सुबह तक सूख जाता है और ये रुमाल साफ़ रहती है तो हमें यूज करने में भी अच्छा लगता है। अगर हम साफ़ रुमाल से साफ़ करेंगे तो किचन भी हमारा साफ़ रहेगा, नहीं तो रुमाल नहीं साफ़ है मतलब तो किचन क्या साफ़ रहेगा। इसलिए आप कोशिश यही करें कि डेली एक बार साबुन लगा के अच्छे से रुमाल को धुल दीजिए और धुल के सुखा दीजिए तो साफ़ सुथरी रहेगी। टिप नंबर 10 और लास्ट है, जैसे मैंने सब्जी चढ़ा रखी है, आटा रख लिया है गूंद के और चावल भी बन गया है, तो मेरे पास टाइम है, अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नहीं खाना खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो सब्जी जब तक बनेगी तब तक अपने कैबिनेट में जो डिब्बे इधर उधर हो गए हैं उनको निकाल के साफ़ कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम खाना बना रहे हैं उसी हाथ से छू लेते हैं तो वो डिब्बे गंदे हो जाते हैं, और इसीलिए आप उसी समय उनको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा, क्योंकि इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके किसी कैबिनेट को एक दिन आपने साफ़ किया, दूसरे को दूसरे दिन किया, तो इस तरह से साफ़ हुआ मतलब रहता है। और फालतू के डिब्बे वगैरह जो कुछ हैं वो नहीं, ज़्यादा सामान अपने किचन में नहीं रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने रख ली जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, उन चीज़ों को आप मत रखिए। दूसरों को देख के भी आदमी बहुत चीज़ें खरीद के रख लेता पर उनकी यूज नहीं होती है, तो इसलिए कम से कम चीज़ें किचन में रखनी चाहिए और इससे हमारा किचन भी क्लीन बना रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमको कभी कभी ज़रूरत, ऐसे ही मैंने तंदूर लेके रख लिया है जो कि ऊपर आपने देखा होगा और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अब मेरे को समझ में आ गया है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम साल में एक आध बार ज़रूरत पड़ती है, तो उसको नहीं ख़रीदने में ही भलाई है, हमारे पैसे भी बचते हैं और हमारे किचन में स्पेस भी बचा रहता है, किचन भी साफ रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो यही थे कुछ बेसिक टिप्स जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किए, तो
है तो बहुत आसान और हर कोई कर सकता है। डेली के काम के साथ साथ अगर हम ये किचन टिप्स छोटे छोटे हैं जो करते रहते हैं तो हमारा किचन भी क्लीन रहता है और हमें टेंशन नहीं होती, अलग से हमें टाइम निकाल के फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे किसी को मेड की हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, इस समय जैसे मेड नहीं आ रही हो तो उनका भी काम आसानी से हो सकता है अगर हम ऐसे छोटे छोटे उसमें अपना काम करते रहने से नहीं होता, अलग से टाइम निकाल के फिर नई टेंशन होती कि अलग से, क्योंकि अगर कोई अकेले सारा किचन संभालता है, फैमिली थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा काम है, तो उसको फिर अलग से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है और साफ़ करना किचन को, और किचन भी हमारा क्लीन रहता है छोटी छोटी आदतों से। अगर आप लोग को अच्छा लगे, मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करने में कंजूसी नहीं करिएगा, मैं बार बार यही कहती हूँ, या फिर आप लोग भूल जाते हैं तो पहले ही लाइक करिएगा, और उसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।